नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल को सराहा। कहा, घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश भारत जैसे अपने भागीदारों की सफलता का अनुकरण कर सकता है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का कहर, 7 ग्राम पंचायतों को घोषित किया अनिश्चित क्षेत्र। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए कड़े उपाय, स्कूल, बैंक, दफ्तर की छुट्टी, लोगों से ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल की अपील। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख कनेक्शन होंगे जारी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उच्चतम न्यायालय ने पटाखों की बिक्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा कि हरित पटाखों को अदालत की मंजूरी के बावजूद ऐसा किया गया है। उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय गृह मंत्रालय को सलाह, सभी राज्यों के DGP को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में 1 माह में सुझाव दें। सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, शाम 4:30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। आप नेता राघव चड्ढा बोले, मुख्यमंत्री केजरीवाल के कल्याणकारी मॉडल के कारण दिल्ली में महंगाई सबसे कम। भाजपा आम आदमी पार्टी की योजनाओं को रेवड़ी कहती है, लेकिन ये प्रीपेड सेवाएं हैं। G20 की एक पुस्तिका में मुगल बादशाह अकबर की प्रशंसा किए जाने पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल का सरकार पर तंज, उसका एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए है और दूसरा इंडिया के लिए है जो कि भारत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने की व्यवस्था के लिए कानून में बदलाव जरूरी है, 2 माह में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। गडोले इलाके में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ बुधवार सुबह शुरू हुई। राजस्थान के भरतपुर जिले लखनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए बस हादसे में इसमें सवार 12 यात्रियों की मौत हो गई, 11 अन्य घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के पेट्रोल पंप संचालक 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर, पेट्रोल पंप बंद होने से लोग परेशान। भाजपा दफ्तर में पीएम मोदी का स्वागत समारोह रहा, G20 की सफलता के बाद पहली बार भाजपा दफ्तर पहुंचने पर होना था स्वागत। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, BPSC द्वारा दूसरे चरण के तहत करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, नोटिफिकेशन अगले महीने तक आने की संभावना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट को लेकर मंथन तेज, 100 उम्मीदवारों की पहली पार्टी जल्द कर सकती है जारी, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन। दतिया में जमीनी विवाद में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद निपटने के लिए बुलाई गई पंचायत में हुई जमकर फायरिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेज हुई पोस्टर पॉलिटिक्स, भोपाल की सड़कों पर लगे कमलनाथ को लेकर विवादित पोस्टर, बताया गया करप्शन का हैवान। BSE सेंसेक्स 240 अंक उछलकर 67,467 अंक पर हुआ बंद, एनएसई निफ्टी भी 77 अंक की बढ़त के साथ पहली बार 20,070 अंक पर हुआ बंद। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन्ड, मेकर्स ने स्टेटमेंट जारी करके बताया रिलीज में देरी का कारण। मेकर्स ने कहा, हमारी टीम फिल्म में और बेहतर एलिमेंट्स जोड़ने की कोशिश कर रही है, 28 सितम्बर को रिलीज होनी थी यह फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई में खरीदा आलिशान अपार्टमेंट, 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। एक्ट्रेस का अपार्टमेंट बैंड्रा की एक बिल्डिंग के 26वें फ्लोर पर स्थित है। सोनाक्षी के अपार्टमेंट से दिखता है बैंड्रा वाली सीलिंग का खूबसूरत नजारा। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।